सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ कार फोर सेल सिमुलेटर। तो गाइस, आई नो कि बहुत टाइम बाद आया है कार फोर सेल सिमुलेटर का वीडियो। गाइस, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि गाइस जितनी भी गाइस मेरे पास गाड़ियां हैं उन सबको कुछ मैं करने वाला हूँ। मतलब गाइस, एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था तो उसी बंदे के मतलब काम करने वाला हूँ। बट आप लोग गाइस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते यार। मतलब सपोर्ट तो आप लोग बहुत करते हो, अगर वीडियो अगर देख ही रहे हो तो प्लीज गाइस आप लोगों को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 मिनट तक वीडियो देख लो, और उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी मतलब कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है वीडियो में, तो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बताओ ताकि मैं अपनी वीडियो में मतलब उसको इन्हेंस कर सकूं, और उसको मतलब कि वो अगर वो आप लोग बताओगे तो मैं उस चीज़ को मतलब सुधार सकूंगा। तो क्या होगा गाइस कि मैं अपनी वीडियो में मतलब सुधार ला सकूंगा। तो अगर आप लोग 5-6 मिनट भी देख लेते हो तो आप लोग प्लीज़ उसके बाद प्लीज़ कमेंट करके जाओ ताकि मेरे को पता चले कि वीडियो में कुछ भी सुधार करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो अभी गाइस मैं आया था यहाँ पर मेरी गाड़ी लेने के लिए जो कि थी निसान GTR, और यहाँ पे ही पड़ी थी भाई अभी हमारी गाड़ी। और आप लोगों को बिल्कुल भी ना लगे भाई, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अच्छा है कि पहले हम लोग गाड़ी साफ करके ही चलते ताकि अच्छे से हम लोग बेच सके। और हाँ गाइस, अभी आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ साथ ही साथ कि आज हम लोग क्या करने वाले। तो गाइस, आज हम लोग हमारे एक सब्सक्राइबर का चैलेंज पूरा करने वाले जो कि ये गाइस, बट उससे पहले ऐसा सोच ही लेते भाई, 4 बज चुके तो क्यों ना हम लोग नेक्स्ट डे करके ही आते भाई। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी हम लोगों ने हमारी गाड़ी भी रखी थी। सॉरी अंकल, हम लोगों ने अपनी गाड़ी रख दी यहाँ पे, परेशान हो गए भाई। हम लोगों ने रात पर यहीं पे गाड़ी रखी थी, बट अभी कोई नहीं, अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं। ऑक्शन भी ओपन है 12 बजे तक, बट ऑक्शन का कुछ काम है नहीं हम लोगों को, तो ऐसे ही हम लोग चलेंगे। और भाई हम यार, मैं आप लोगों को बताना ही भूल जाता हूँ कि क्या है आज का मतलब मेन फोकस हमारा। तो गाइस, आज हमारे सब्सक्राइबर एक बंदे ने हम लोगों को कमेंट किया था कि अपना जो भी कलेक्शन है उसको पूरा का पूरा सेल करो। और लो भाई, कलेक्शन की सेल करने की बात आई और यहाँ पे सामने निसान GTR पड़ी है भाई। तो सोच ही रहा हूँ कि भाई एक बार रेस करके आता हूँ, अगर ये आंटी मतलब बैटरी कार लगा देती है तो, और बैटरी कार लगा भी दी आंटी ने, तो क्या होगा ना कि हम लोग जैसे ही जाएंगे तो भाई एक और गाड़ी बिक चुकी होगी हमारी, कलेक्शन में शामिल हो जाएगी भाई, और एक निसान GTR, तो फिर क्यों ना कर ही ले हम लोग। तो अभी फटाफट से करते हैं भाई ड्रैग रेस। और यहाँ पे गाइस रेस स्टार्ट हो चुकी है और मैंने तो भाई तगड़ी तरीके से भाई सेकंड गियर थर्ड गियर भाई 200 कब चली गई भाई पता ही नहीं चली। और भाई वो बंदे ने उसकी गाड़ी रिवर्स क्यों ले ली भाई, ये मेरे को पता नहीं चला भाई। रेस तो खत्म हो गई बट यहाँ पे सेकंड्स दिखा रहे, लेफ्ट साइड कॉर्नर भी आप लोग देख सकते हो भाई, अभी 1 मिनट से भी ज्यादा हो चुका है और अभी तक वो गाड़ी आई नहीं है भाई। मैं अभी चल रहा हूँ बाहर, जो होना होगा वो देखा जाएगा। और भाई लो भाई, गेम वाले भाई इतना तो ठीक कर लो भाई, इतने ज्यादा अच्छे ग्राफिक्स डाल दिए भाई, इतने ज्यादा मतलब अपडेट कर दी गेम को भाई, ऐसी चीजों को तो अपडेट करो। ये कैसा बग था भाई, मैंने अपनी गाड़ी को जीत भी लिया और सामने वाले गाड़ी को हरा भी दिया, फिर भी मेरी गाड़ी चली गई। मेरी वजह से तो गई नहीं, मैंने तो जीत ही ली थी गाड़ी। अभी चलेगा गाइस, गाड़ी एक ही मतलब मेरे पास है, बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं तो अभी उनको सेल ही करना है हम लोगों को। तो गाइस अभी हम लोगों को जो उस बंदे ने यही बोला था कि हम लोगों को पूरा पूरा कलेक्शन सेल करना है, और उसी के साथ साथ जो हमारी पर्सनल कार्स उसको रहने देता है। मतलब गाइस हमारे कलेक्शन में जो आएगी वो गाइस ये सारी गाड़ियां जो कि हम लोगों ने यहाँ पे रखी हुई थी, क्या था कि हम लोगों को मतलब हमारा शोरूम थोड़ा खाली खाली लगे भाई, एकदम भरा भरा हुआ नहीं चाहिए भाई हम लोगों को, थोड़ा खाली लगे तो हम लोगों को अच्छा खासा मतलब दिखे भाई दूर से देखने में भी। तो यहाँ पे गाइस आप लोग सामने जितनी भी गाड़ियां देख रहे हो वो सारी के सारी मेरी कलेक्शन की गाड़ियां नहीं है, वो मेरी पर्सनल कार से। ये सब जो देख रहे हो आप, डॉज वाइपर है, फिर ये हमारी, और फिर ये हमारी फरारी FX जितनी भी वहां पे पड़ी थी वो सारी की सारी गाड़ियां हमारी जो है कलेक्शन की गाड़ियां है। तो इन सब गाड़ियों को हम लोगों को आज सेल करना है। और भाई आप लोगों को पता होगा गाइस कि फरारी FX की एक गाड़ी की प्राइस 36 मिलियन डॉलर से भाई, एक गाड़ी बेचने पे हम लोगों को 3.6 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं। और आप लोगों को पता होगा गाइस कि जब मैंने 10 फरारी FX को सेल किया था तब हमारे पास टोटली 5 करोड़ डॉलर हुए थे। तो भाई अभी मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या हम लोग इन गाड़ी को गाइस मतलब उसकी ओरिजिनल प्राइस में सेल करें या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग करेगा, क्योंकि भाई वैसे भी हमारे पास 5 करोड़ डॉलर है भाई, इतने पैसे मैं क्या करूंगा क्या भाई, 50 मिलियन डॉलर का मैं करूंगा क्या? क्योंकि भाई तुम लोगों को तो पता ही होगा कि भाई इस गेम में इतने ज्यादा पैसे का कुछ काम है ही नहीं, क्योंकि गाड़ी इतनी ज्यादा महंगी तो है नहीं, हम लोग खरीद भी लेंगे तो 1.5-2 मिलियन डॉलर तक खरीदेंगे, बट ये 50 मिलियन डॉलर्स में इसका मैं करूंगा अभी क्या? तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना गाइस हम लोग जो एक गाड़ियां हैं उनको कोई सही प्राइस में भाई सेल करें, ताकि बंदों को भी अच्छा खासा मतलब मुनाफा हो, ऐसा कुछ हो। तो अभी गाइस मैंने सारी की सारी गाड़ियां जितनी भी मेरे पास थी वो सारी की सारी यहाँ पे लाके रख दी है, और बाकी हमारी जो भी पर्सनल कार है वो वहाँ पे रखी है, और बाकी जितनी भी कार्ड्स थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे रख दी है। तो अभी हमारे पास टोटल गाइस आई थिंक 9 या 10 गाड़ियां हैं हम लोगों को बेचने के लिए। और मैंने एक और चीज गाइस बहुत बड़ी मिस कर दी है, वो आप लोगों के लिए मिस की है। जैसे आप लोगों को पता होगा गाइस कि डॉज वाइपर मैं कलेक्ट कर रहा था ताकि मैं एक
ऐसी वीडियो बना सकूं जिसमें मैं गाइस जो है 10 डॉज वाइपर को सेल करूं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लास्ट टाइम जो मैंने 10 फरारी एफएक्स को सेल किया था वो पूरी इंडिया में मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मतलब मैंने अकेले ने बंदे ने किया था। तो वैसे ही मैं डॉज वाइपर को भी सेल करने वाला था, बट अभी वैसे ही रहने देते भाई, फटाफट से चलते। और अभी मैं क्या करता हूं भाई, पहले देख लेते भाई कितने, मतलब कौन सी गाड़ी कितने रुपए में, उससे हम लोग अंदाजा तो लगा सकते हैं कि अगर हम लोग उसको रियल प्राइस में बेचते हैं तो हमारे पास कितने पैसे होंगे, अगर हमारी प्राइस में बेचते तो कितने पैसे होते हैं। तो पहले हम लोग टैबलेट पे चलते हैं और भाई वेब पेज पे चलते हैं और हमारी कार फॉर सेल में यहाँ पे पहले मतलब चेक कर लेते हैं। ये फरारी तो हमारी पर्सनल वाली है, जितनी भी कलर्स वाली है वो हमारी ये पर्सनल है। और आज हम लोग रखते गए जिसका पोस्ट टाइटल रखते हैं क्या लगेगा, सेलिंग तो रखते ही है, सेलिंग माई कलेक्शन, बस इतना तो बहुत है, इतना ही रखते हैं भाई, सेलिंग माई कलेक्शन ही रखते हैं। और भाई आप लोग देख सकते हो भाई एक की प्राइस कितनी है भाई, $4.1 million तक बेच सकते हैं भाई अभी इस गाड़ियों को। मैं बट गए इस गाड़ियों को बेचने वाला हूँ ओनली ऑन $1। यस गाइज, आप लोगों ने सही सुना गाइज, मैं अभी बेचने वाला हूँ सारी गाड़ियों को $1 में। आप लोगों को पता ही है गाइज $50 million का मतलब क्या ही करेंगे हम लोग। तो उससे अच्छा यही है कि लोगों को हम लोग अच्छे मतलब $1 में भाई गाड़ियाँ सेल कर दो, कोई जरूरत है नहीं हम लोगों को गाड़ियों की अभी के लिए। तो इसलिए मैं फटाफट से इनको क्या करता हूँ सेल पे लगा देता हूँ। और जितने भी निसान GTR है भाई, एक निसान GTR को रखना है हम लोगों को लिए। राइट गाइज, तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी गाड़ियों को सेल पे लगा दिया है और सारे के सारे डॉज वाइपर भी यहाँ पे सेल पे लग चुकी है। यहाँ पे कितने हमारे पास है, टोटल आई थिंक 9 ही गाड़ियाँ है, तो उन सारे को मैं सेल करने वाला हूँ। और अभी हमारे पास कितनी 2 निसान GTR है सेल करने के लिए। और अभी क्या करते हैं, पहले ऑफिस को ओपन करते हैं। ऑफिस तो ओपन हो चुका है, अभी जैसे ही कस्टमर आते हैं भाई उनको दे देते हैं भाई $1 में गाड़ियाँ। तो भाई वैसे भी किसी से बार्गेनिंग करेंगे की जरूरत है नहीं, एक बंदों को पहले देखते हैं भाई कौन सा बंदा भाई पहले पहुंचेगा उसको ही बेचेंगे भाई। पहले इस आंटी को देखते हैं और इस अंकल को, आंटी पहुंच चुकी है डॉज वाइपर के पास भाई, $1 में हम लोग गाड़ी बेच रहे हैं। और आंटी को देखते हैं भाई कितने में ले रही है ये, $1 भाई इसको सेल करो। अभी हमारे पास हो चुकी है गाइस $49 million, $9,020। अभी गाइस ये अंकल क्या करे, यू विल फॉल इन लव विद दिस कार मोमेंट यू टेक दिस पिन एंड द प्राइस ओनली जस्ट ₹1। 2 गाड़ी बिक चुकी है हम लोगों ने, ये तीसरी गाड़ी है। इस बंदा मतलब ये लड़का लेने आया था भाई, इसको भी बेच देते हम लोग। आई हैव नो प्रॉब्लम पेइंग द सेम प्राइस भाई, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, $1 में किसको प्रॉब्लम होगी भाई सेल करने के लिए। अभी भाई हिटमैन से भी बात करते हैं भाई, हिटमैन फरारी FSK को लेने आया है। और ये भी बंदा बोल रहा है कि हाउ अबाउट $1, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज अच्छे प्राइस में रखी हुई है गाड़ी, तो वही बोल रहा था। और भी इस आंटी को बेचते, इस लेडी को बेचते भाई, हिटमैन की वाइफ आई है तो उनको भी बेच देते। और ये बंदी भी पैसा ही बोल रही है भाई, बजट फ्रेंडली कार है। तो भाई बजट फ्रेंडली भाई, तुम्हारा बजट क्या $1 था किसी भी गाड़ी को लेने के लिए भाई? ये लोग भी फालतू बातें करते रहते भाई गेम में, थोड़ी सी तो भाई अकलमंदी वाली बातें मतलब करा करो भाई। ये बजट फ्रेंडली क्या होता है भाई, $1 में कौन ले जाता है गाड़ियाँ? तो मैं रख रहा हूँ तभी तुम लोग लेके जा रहे हो, नहीं तो फिर $1 में कौन सी गाड़ी तुम लोगों को मिलेगी? और भाई आई थिंक मेरे को पता नहीं चल रहा है भाई, यहाँ पे मैं गाड़ियों को सेल तो कर रहा हूँ बट मेरे डॉलर्स बढ़ क्यों नहीं रहे भाई? यहाँ पे उतने के उतने ही दिखा रहे हैं। $1 तो मेरे को पता है भाई, ऐसा थोड़ी ना भाई $1 की कोई प्राइस ही ना हो भाई, यहाँ पे बढ़ने तो चाहिए ना भाई। यहाँ पे एक ही गाड़ी बची है मेरी, एक डॉज वाइपर बची है और दूसरी कौन सी गाड़ी बची है भाई मेरे पास? आई थिंक एक और गाड़ी बची है मेरे पास, हाँ फरारी, हमारे पास निसान GTR बची है और एक डॉज वाइपर बची है। इन दोनों गाड़ियों को सेल करना है, बट तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जब तक कस्टमर आते हैं तब लोग हम लोग वॉशरूम में जाके आते हैं भाई, फटाफट से जाते भाई स्पीड के पास कर लेते हैं भाई। और अभी गए कितने 6:30 बज गए भाई, हम लोगों को पता ही नहीं चला भाई काम करते करते 6:30 कब के बज गए। और अभी तक कस्टमर 2 ही गाड़ियाँ बची है और भाई 2 ही गाड़ियों को देखो नहीं, मतलब दोनों गाड़ियों को कोई लेने आ ही नहीं रहा है भाई $1। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि भाई 6:30 बाद सब सो जाते होंगे, तो उससे अच्छा यही है कि हम लोग फटाफट से चले। और अभी हम लोग भी हमारे घर पे चलते और यहाँ पे जाके क्या करते भाई, सो के आते और नेक्स्ट डे करके ही आते। राइट गाइस, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ पे कस्टमर इसने तो ऑफिस लिखा हुआ तो आ रहा है, बट अभी ऑफिस पे जाके देखते भाई कि क्या सही में कस्टमर आया हुआ है कि नहीं। यहाँ पे तो आई थिंक मेरे को नहीं दिख रहा है डॉज वाइपर के पास तो, बट हाँ फरारी हमारे निसान GTR के पास देख रहा है, तो इससे बात करते ये क्या बोलते हैं उस पर हम लोग देख लेते। माई फ्रेंड यू आर गोइंग टू लव दिस कार एंड द प्राइस ओनली $1, तो भाई ये गाड़ी बिक चुकी है। और अभी गाइस आई थिंक मेरा नहीं, मेरा मतलब ये वाला नहीं है भाई, काम करने वाला बंदा नहीं है भाई, ये तो हिटमैन है। और इससे हम लोग क्या, हम लोग इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, मतलब कि क्या हम लोग हमारे डॉज वाइपर की इसको सेल्स कर सकते हैं, मतलब इसको गिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं भाई? इसको गिफ्ट कर ही नहीं सकते हम लोग। तो अभी भाई ये मेरी आखिरी डॉज वाइपर है, तो गाइस इसको इस बंदे से थोड़ा मतलब कुछ करते भाई, सेल करे या फिर बार्गेन या डोंट सेल करे भाई, कुछ तो करते इससे, बस तू तगड़ा करते बार्गेन करते भाई इससे। इसको हम लोग क्या करते भाई, $1 में हम लोगों ने कार रखी तो भाई $2 ऑफर करते। क्या बंदा भाई कुछ बोलता है कि नहीं भाई, मैं देखता हूँ क्या बोलता है। आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड लोअर द प्राइस बिट भाई, $1 की कार है, मैंने $2 तेरे को ऑफर की है, सिर्फ $1 बढ़ा के मैंने, अब इसको $0 में ऑफर करता हूँ भाई, इसमें क्या करता है ये बंदा? आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड विद दिस कार। लो भाई $1 को मैंने बढ़ाया तो उस बंदे ने मतलब उसको प्राइस हाई लग रही थी, और जब मैंने $0 भाई मुफ्त में उसको दे दी
भाई वो बंदा लेके चला ही गया। भाई ऐसे बंदे होते भाई, मतलब ये कार फॉर सेल वालों ने ऐसा मतलब सिस्टम डाला हुआ है तो वैसे ही हम लोग बात करते। और अभी गाइस मैं चेक कर लेता हूँ भाई, एक बार मैंने एक गाड़ी मैंने यहाँ पे पीछे भी रखी थी गैराज के पीछे, आई थिंक वो डॉज वाइपर ही रखी थी। मैंने आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखी होगी कि मैंने यहाँ पे रखी हुई थी, बट आई थिंक मैंने वो गाड़ी भी यहाँ पे रख दी थी, तो वो गाड़ी भी सेल हो चुकी है। ऑलराइट गाइस, तो आप लोगों ने गाइस जैसे ही मैंने उस बंदे ने मतलब कमेंट किया था उस तरीके से मैंने उस काम को पूरा कर दिया है और मैंने पूरा मेरा कलेक्शन सेल कर दिया है, बट मेरा पर्सनल कलेक्शन सेल नहीं किया अभी तक। तो अगर आप लोगों में से कोई बंदा हो गाइस आप लोग कमेंट कर सकते हो, जो भी बंदा गाइस 5 से 6 मिनट देखेगा, तब गाइस जो भी बंदा गाइस 5 से 6 मिनट देखेगा उसके बाद जो भी बंदा कमेंट करेगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला उस तरीके से, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में एक और चीज बताना, क्या मैं जो गाइस मेरे कलेक्शन की तरह मेरा पर्सनल कलेक्शन जो भी आप लोग ये गाड़ियां देख सकते हो सामने वो क्या मैं बेच दूं क्या नहीं। अगर आप लोग बोलोगे गाइस अगर इस वीडियो पे करीबन 20 कमेंट भी आते हैं और 100 लाइक्स आते हैं तो गाइस मैं पक्का इस गाड़ी को बेच दूंगा गाइस, इन सारी गाड़ियों को बेच दूंगा आपको, मतलब प्रॉमिस है गाइस। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।